जय श्री राम भाई, क्या चाल है जी? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे। और भाई स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे विंदा डेली ब्लॉग्स पे। तो भाई इतनी गर्मी हो रही है यार, बस पूछो मत। हमारे जो साइड पे भाई 45-40 डिग्री का टेम्परेचर जा रहा है, और अभी भी सुबह की मॉर्निंग के अभी 38 डिग्री का टेम्परेचर है इस टाइम पे। तो अभी जस्ट बजे है 8 बजे। फर्स्ट तो भाई विंदा मेरे से पहले नहाने के लिए घुस गई, और भाई मुझे लग रहा है कि उसकी जो स्कूल की छुट्टी है ना वो पड़ गई है शायद। चलो बढ़िया है यार, अब गर्मी भी बहुत हो रही है, समर वैकेशन हो गए हैं भाई। अब देखो समर वैकेशन पे कहाँ घूमने का प्लान बना दिया है, क्योंकि इसको कुछ नहीं पता। वो कहने लगे पापा नैनीताल चलो, नैनीताल नहीं चलेगी। अगर वो चलेगी मसूरी तो भाई मसूरी ले चलेगी, इसका कुछ नहीं पता। अभी मैं जाऊँगा नहाने धोने के लिए, और फिर उसके बाद निकलते हैं स्कूल में। एंड भाइयों ये देखो यार पसीना कितना आ रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है बहुत बुरी तरीके से। और अभी मैं ले रहा हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि यार ऑफिस का टाइम हो गया ओवर, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। वृंदा जल्दी आओ। जय श्री राम बेटा। हाँ ये हुई ना बात। गाइस वृंदा की शायद स्कूल की छुट्टी पड़ रही है, ऑर्डर तो कल आ गए थे डीएम के, लेकिन आज मैं कंफर्म कर लेता हूँ जाके। छुट्टी पड़ गई तेरी? जाएगी स्कूल? चल तो चल, चलें। अरे वाह ऐसा होना चाहिए भाई बड़ा अच्छा। लो भाई अभी ड्यूटी से आ गया, और आते ही भाई पापा की गारंटी बननी है, तो पापा की गारंटी दे के आता हूँ। अभी अपना खाना वाना बढ़िया एकदम फटाक से हो गया, फर्स्ट क्लास। हमारी छुट्टी कब पड़ेगी? बच्चों की तो पड़ गई, चलो जब भी पड़ेगी इस बार कहीं घूमने का बड़ा प्लान बनाएंगे, दूर प्लान बनाएंगे। लो भाई ये स्टैंड दे दिया पापा ने पेंट करने को, कहा कि भाई इसे पेंट कर दे बड़े तरीके से। तो भाई साहब थोड़ा पेंट वेंट कर रहे, और गर्मी देख लो कितनी हो रही है भाई साहब, इतनी तकड़ी गर्मी हो रही है इस टाइम पे। मैं क्या बताऊँ आपको, 42 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, पसीने देखो कितने आ रही है। अरे देखो माथे पर। लेकिन भाई काम तो करने तो पड़ेंगे, बिना काम करे कहाँ से रोटी मिल जाएगी? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। फिलहाल इसे बढ़िया तरीके से पूरे को पेंट कर दूँ। अब इन छोटे मोटे कामों के लिए भी यार हम यहाँ पेंटर बुलावे लगे, तुम्हारा तो हो गया काम। क्यों मेरे भाई, मेरा बेटे बढ़िया ढाल सोच दूँ आज इसे। भाई पूरा पसीना पसीना हो गया, अब जाके काम निपटा है। चलो वाइफ को ऑलरेडी पता था मैं आपके पानी पीऊँगा, तो पहले पानी का जुगाड़ हो गया। तो भाई ये भाई रोक्सी को मैं चले के दे आऊँगा, काफ़ी टाइम हो गया रोक्सी से भी मिले हुए, आपको मिलवाऊँगा। क्योंकि उसके बीच में भाई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, ऐसी हो गई थी कि वो बीच मरने वाली थी। आओ चलो उसको देख के आते कैसी है। देखो भाई ये बैठी रोक्सी एकदम बढ़िया पिटफॉल हो गया। हाँ बेटा ठीक है, तू मस्त है, मस्त एकदम, पहले से ज़्यादा काफ़ी बढ़िया हो रही। इसके फेवरेट है ये छिलके, खा ले चल। तो भाई फिलहाल रोक्सी की तबीयत बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई से क्यों होगा एकदम तेई, अरे क्यों होगा तेरा, कुर्सी पर लात बजा, इंगे कर इंगे कर, ठीक ठाक तो है तो भाई तेरा कुछ बीमारी है क्या बुद्धी? नाम ना लेते तू तो बदतमीजी करे। गाइस लो विंदा आ गई आपसे बात करने के लिए। मुँह में उंगली कौन देता है, पागल है तू, बदतमीज है, पागल है तो भाई तो पागल है। और तारों से इच्छा तो चलेगी मार्केट, चलेगी आइसक्रीम चलेगी, तो कुल्फी आई, कुल्फी वाली इतने पैसे ना मेरे पे। मगर क्यों? ले भाई अपने पापा तो बोलने गई, इनका पापा मेरे आइसक्रीम दुआता, इतनी आइसक्रीम खा है जब है बात, यार चूहिया कहाँ घूम रही? मुझे क्या पता, मिल गए पैसे सही चल इसमें क्या कुछ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, अरे दुआ दूंगा भाई, दुआ दूंगा दादा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने के लिए विंदा की, और विंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इतने बड़े हो गए आप ये नहीं पहनने आते अभी तक, गंदे बच्चे हो क्या आप? हम पागल है, चल तो पागल के साथ मत जा, होशियार के साथ जा। मैं तो पागल हूँ, मजाक कर रही तू, जब काम हो जाए मजाक कर रहा है तू, बहुत असली हो रही। देखो भाई यहाँ बढ़िया मिल रहा है कुल्फी, ठीक है बेटा ठीक। कौन दे दो मैंगो वाली, तो दे दो मैंगो वाली, हाँ दो। बोल तो ले तो नहीं बोलता है, हाँ तो फिर ऐसे इशारे से करे तो धोती खोल रहा है। आलू ए दीवाने केड़ा ये जा रहा तेरा तो भाई, अभी भाई अपना पेट के लिए कर रहा बेचारा, सपोर्ट करो भाई को ज्यादा ज्यादा, ऐसे भी खाओ भाई की। ओके है भाई अच्छा दोस्त चले, चल फिर मिलूंगा। मारी बहू करेगी
क्योंकि भाई हमारी दोनों की बजेगी लड़ाई और हम चाहते नहीं भाई लड़ाई बजे, क्योंकि अच्छा आगे जैसे दूध दो और हम लेंगे बंटवारे तय। मम्मी आवेगी, मम्मी बंटवारा करेगी। मम्मी आवेगी, मम्मी का वेट करो, जैसा मम्मी कहेगी वैसा करो, ठीक है? आ जा आ जा जल्दी आ जा। देख तेरे वेट में डांस करने लग रही है, नुकत आवेगी। चल गाना गा। आ जा जल्दी आ जा। देख गाड़ी। ले भाई कर दे बंटवारा इसकी, या मजा तो मेरी दे दे तू। मैं ना खाऊं अपनी? क्यों, मेरा मन ना, तेरा तेरा मन है, तू बहुत असली हो रही है आजकल। तेरी मम्मी देख पहले बुटका भर लेगी, ऐसी तेज है। ओ खास कैमरा लग रहा है इसलिए गाइस शर्मा की, नहीं तो बुटका भर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। मुझे दे दे। तो भाई मैं तो पनीर वाली ले रहा है वाली, बढ़िया लगे मुझे मैंगो की। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और मज़ा बहुत आता है चूसने में। हम पहले चूसते थे ना सर। ओहो आपस में शेयरिंग चल रही है बेटे। मुझे भूल गई तुम, मुझे भूल गई तू बिंदा, मेरे पास कौन आएगा? कैसी है? हाँ ऑरेंज वाली थोड़ी होती हो तो और मज़ा आता, लेकिन ये भी अच्छी है। बिंदा से पूछता हूँ, बिंदा कैसी है? ए बिंदा खाने पर जाना है, यहाँ बता कैसी है? तेरे लिए आग कैसा आइसक्रीम नहीं आई अब, जब तू बता नहीं रही कैसी है। गाइस आज यार तू फैन से लाइट नहीं आ रही, बहुत तकड़ा वाला सीन हो रहा है। ये देख लो, आज मुझे लग रहा है कि शायद हमें बिना एसी के लेटना पड़े, क्योंकि सुबह दोपहर से लाइट नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सोलर पैनल लगाया ना, वो रात को सिर्फ एक एसी चला सकता है, वो भी पापा वाला। तो हम गर्मी में सो सकते हैं, लेकिन अपने पापा को भाई गर्मी में नहीं सुहा सकते। हमारे पापा तो बोल रहे थे यहाँ आके लेट जाओ कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा नहीं जी आप लेट तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो जवान बाड़ा है, देसी वाला पापा की दया था, देसी डाइट खा रहे हम तो सहन कर रहे हैं। लेकिन भाई इस गर्मी में और तेज आवाज़ कर ले, और तेज आवाज़ कर ले, व्लॉग ना बन देख रो मेरे। और भाई मैं वृंदा का गिलास लेकर आया था कल मार्केट में से जाके, बहुत प्योर मिट्टी का गिलास है। इसका एक फ़ायदा है जरूर, पता क्या, रात को इसमें पानी रख दो ठंड, एक दो घंटे के अंदर बहुत ठंडा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आपके घर मतलब मिट्टी की या तो मिट्टी का घड़ा हो तो उसमें एडजस्ट कर लो, नहीं तो भाई ऐसा बर्तन ले आओ और डेली अपना पानी 15-20 मिनट रखो, ठंडा एकदम नेचुरल एकदम गुणवत्ता मिट्टी वाला पानी पीने को मिलेगा। ठीक है बेटा, उसमें पिला देंगे मिट्टी वाले बर्तन में पानी, ठीक है? उसमें ले तू डाल दे पानी, ले पापा डाल दो। मैं डालूं? पोटा पोटा बहुत सारा डाल दूं बस, ठीक है। पी के बताओ कैसा लग रहा है? और भर दूं पानी? और भर दूं? नहीं अच्छा इसमें भर दूं पानी, ठीक है मैं भर दूंगा। आप ये बताओ कैसा लग रहा है पानी आपको? बढ़िया लग रहा है, अच्छी महक आ रही है भाई, बहुत बढ़िया। बच्चों को सिखाओ अपने पीना इस तरीके से, आगे बीमारी से लड़ने के लिए बहुत अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके क्या हुआ बेटा, क्या कह रहे हो? अच्छा कल आपकी बुआजी आएगी? अरे भाई भाई से तो मैं बताना ही भूल गया आपको, कल तो भाई हमारी जो बहन है वो आ रही है, जो तीसरे नंबर की बहन है वो आ रही है। ओहो आप भी ब्लॉगिंग सीख रहे हो बनाना, बहुत बढ़िया, कीप इट अप कीप इट अप। थोड़ी सी ब्लॉगिंग करके दिखाओ कैसे करते हैं हम ब्लॉगिंग। अब देखो गाइस वृंदा बताइए कि हम छोटे बच्चे ब्लॉग कैसे बनाते हैं, बना के दिखाओ बेटा। ये आपको पूरे घर का टूर करा देगी भाई, इसको सब पता है कि कैसे कैसे बोलना है, किस तरीके से करना है, पूरे घर का टूर करा देगी आपको, और नहीं करने देगी। और इसकी मम्मी भी बहुत जल्दी चैनल शुरू करने वाली है, लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं चैनल का नाम क्या होगा, थोड़ा सा वो ग्रो हो जाएगा ना, जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा जब आपको बताएंगे। वैसे आज हमने शुरुआत कर दी है और इसका पहला व्लॉग भी डल चुका है, लेकिन थोड़ा सा ग्रो होगा ना तब मैं उसका रिवील करूंगा, ठीक है ना? इतने आपके पास क्यों ना, जाओ देख लो यूट्यूब पे, जब मिलता हो तो चैलेंज पूरा, अगर किसी ने बता दिया तो मेरी तरफ से 1000 रुपये ना। अच्छा गाइस ये कह रही कि इसको ना फ्रिज में रख दो, ये ऐसी बन जाएगी और मैं मॉर्निंग में पीऊँगी ऐसी। अब मेरा दूध ले लेगी ना ये, वो ठीक है मेरा दूध ले लिया तू, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं भाई, हमने पिया वृंदा ने पिया, बात एक ही है। जाओ बेटा आओ, हाँ इसे लेके आओ, आप इसे लेके आओ, मटरी मटरी लेके आओ, मटरी लेके आओ,
लो आप मेरा दूध पियो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूध पियो। गाइस अभी हमने प्लान किया है वृंदा की मम्मी को हलवा बनाने के लिए। मैंने वृंदा को बोल दिया कि वृंदा अपनी मम्मी से हलवा बोल दे, और रात के बज रहे 10। अब देखते हैं इसी मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। वृंदा अपनी मम्मी को बोल मम्मी हलवा बना दो जल्दी, चल देखते हैं। क्या हुआ, क्या कह रही हो? कुछ नहीं कह रही वृंदा, क्या कह रहे हैं आप? मम्मी को कह रहे हैं आप हलवा बनाने के लिए? क्या मुझे तो आता ही हलवा बनाना। चल साड़ा गेम मेरे पे उल्टा गिर रहे हो यार, तो गलत बात है, ये तो चीटिंग बाज है, चीटिंग करते यार। ये कह रही हलवा बनाने के लिए, हलवा बना दे यार। हाँ ये तो नहीं कह रही, तुम कह रही वृंदा मैंने कहा आपसे हलवा बनाने के लिए। ओ भाई हमने खेलते आए तो चीटिंग बाज है, सारे सारे अपनी मम्मी के साथ मिल जाओ यार, हमने खेलते भाई तो चीटिंग बाज है, चीटिंग बहुत करती है। हाँ यार नहीं भैया, तू मेरी गेम में नहीं है, तू उसकी गेम में, तू उसकी गेम में खेल। सो गाइस अब तो पता नहीं मुझे बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो मैं जरूर बताऊँ। आज के व्लॉग में दोस्तों बता देता हूँ, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें चैनल को। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक गाइस।